So hello students, we are going to do exercise 9.1. So exercise 9.3 करेंगे आज. उसमें जो first question है वो है, हमने multiply करना है. तो multiply हम कैसे करते हैं? वैसे भी हम कैसे करते हैं, वैसे ये है ना, जैसे normally हम करते हैं वैसे ही करना है. ठीक है, तो देखो किलोमीटर लिख लिया, मीटर लिख लिया. तो हम क्या करेंगे, 12 किलोमीटर को, देखो 12 किलोमीटर लेस 75 मीटर मल्टीप्लाई बाय 22. तो 22 से मल्टीप्लाई करना है. तो कैसे करना है, पहले हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है. 2 5 सा 10, 1 ऊपर, तो 2 7 सा, जैसे हम नॉर्मली करते ही हैं, 2 7 सा 14, 14 और 1 कितना हुआ 15, और 1 गया ऊपर, तो 2 2 सा 4 प्लस 1 5, 2 1 सा 2. ओके, आगे हम कैसे करते थे इसके नीचे, तो ये आ गया 5 2 सा 10, 1 गया ना, 1 गया ऊपर यहाँ पर भी, तो 2 7 सा 14, 14 और 1 15, तो यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर कुछ नहीं लगाना. ठीक है, 2 5 सा 2 7 सा 14, 14 और 1 15, फिर गया 1 आगे, 2 2 सा 4, 4 और 1 कितना हो गया, 4 और 1 कितना हुआ 5, 2 1 सा 2, तो आया 0 5 10, 5 और 3 कितने हो गए 8, 2, तो कितना आंसर आया, कितना आया, देखो किलोमीटर मीटर में है ना, तो इस नंबर को, ये नंबर है, इस नंबर को कितने होते हैं किलोमीटर में मीटर, 1000 होते हैं. तो हम 3 नंबर छोड़ के, 3 नंबर छोड़ के, क्योंकि 2 3 0 हैं, तो 3 नंबर छोड़ के हम पॉइंट लगा लेंगे, और ये बना किलोमीटर वाला. तो हमें ये पता लग गया कि ये किलोमीटर वाला है, ये वाला मीटर वाला है. ठीक है, इसको मैं 50 सीधा भी लिख सकती हूँ मीटर. ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 1. सो सेकंड क्वेश्चन आप खुद करोगे. आगे मैं एक वाला, ये वाला क्वेश्चन मैं कर रही हूँ. ठीक है, ये 14.11 ml बाय 17. 14.11 का ml मतलब मिलीलीटर, मतलब कि मिलीलीटर और लीटर्स में है. ठीक है, और यहाँ पर लीटर आना था. ये है 14 लीटर 11 मिलीलीटर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको 14, जैसे ये पॉइंट में, तो पॉइंट में ही चाहे रहने दो. तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना था, 11 है, सॉरी, यहाँ पर 11 है, 11 को किससे मल्टीप्लाई करना था, 17 से. तो ये आ गया 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा, पॉइंट हम बाद में लगाएंगे, 7 4 ज़ा 28, 28 का लगा 8, 2 आ गया यहाँ पर, 7 1 ज़ा 7 और 2 कितना हुआ 9, इन टू 11 1 ज़ा 11, यहाँ पर तो सेम वही नंबर आ जाएंगे ना, 1 से मल्टीप्लाई है, तो आ गया 7 8 9 13, 1, 2, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, दो डिजिट छोड़ के. ठीक है, तो ये आ गया आंसर. ठीक है, ये था आपका सी पार्ट. नेक्स्ट, आगे मैं कर रही हूँ ये वाला, इसको भी आप सिंपली, हमने मल्टीप्लाई करने, बेटा आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस वही करना है. ठीक है, मैं चलो यही करवा देती हूँ. इतने केजी बाय दिस, तो 6 9 को हमने केजी में, अब 9 7 सा 63, 3 लगा नीचे, 6 लगा ऊपर. यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख दूँ, स्पेस कम है. हाँ, 63 का 3 लगा नीचे, 6 लगा ऊपर, 9 9 सा 81, 81 और 6 कितने होते हैं 87, यहाँ पर आके 8,
तो 9 6 54, 54 और 8 कितना हुआ, ये हुआ 62। यहाँ पर आ गया 8 4 7 8, यहाँ पर लगा 2 4 9 38 हो गए, यहाँ पर 24 24 और 3 कितने हुए 27। तो इनको प्लस करके आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट आपने एक छोड़ के लगा देना है, ठीक है। जैसे ये आया, फिर बाद में ये आया ना, यहाँ पर पॉइंट लगाना है, आगे आप खुद कर लो, आगे आप खुद कर सकते हो। ओके, सो ये आपके मल्टीप्लिकेशन थी। थैंक यू।